गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 हम पढ़ रहे हैं अपना केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दैट इज सॉलिड स्टेट। आज उसकी नेक्स्ट हेडिंग हम कवर करेंगे दैट इज यूनिट सेल। जैसे नाम से ही पता चल रहा है यूनिट मींस वन। कोई भी क्रिस्टल जो आप देखते हैं, जो आप अपने आसपास पाते हैं, हर वो क्रिस्टल किसी ना किसी रिपीटिंग यूनिट से बना हुआ है। जैसे कोई मोती की माला मोतियों से पिरोई रहती है, एक एक मोती उसको पिरो के माला बनाई जाती है। या आप ये कहें जो छोटे से आप पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी जो बॉडी है वो सेल से बनी हुई है। तो बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स जब कंबाइन होते हैं तब आपका बॉडी स्ट्रक्चर बना है या प्लांट्स का बॉडी स्ट्रक्चर बना है। केमिस्ट्री में आप पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी चीज, कोई भी कंपाउंड हो या आपके पास कोई भी मैटर है तो वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना है, जिसको आप एटम कहते हैं। उसी तरह से कोई भी क्रिस्टल होता है तो वो जिस रिपीटिंग यूनिट से बना हुआ है, स्पेस लैटिस की, वो यूनिट जो बार बार रिपीट होती है और आपको एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन करती है, हर उस यूनिट को कहते हैं यूनिट सेल, राइट। अगर आप सपोज करें कि बहुत सारे कोई एक क्रिस्टल है जिसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, तो उसका जो एक पार्ट होगा दैट विल बी कॉल्ड यूनिट सेल। अब यूनिट सेल की एक भी पार्ट कितनी तरह की हो सकती है, यहां पर देखिए मैंने बनाया है चार तरीके का। सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर एंड एंड सेंटर। होता क्या है, सिर्फ ये बताता है कि यूनिट सेल जिसमें जो एक सेल है वो कितनी तरह से अलग अलग हो सकती है। और ये जो डिवीजन हुआ है ये सिर्फ इस बेस पर हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, आइदर वो एटम हो, आयंस हो या मॉलिक्यूल्स हो, उनका अरेंजमेंट किस तरीके से है। तो आइए देखते हैं कि कितनी तरह से हम जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनको अरेंज करके यूनिट सेल को अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं। यहाँ देखो मैंने सारे क्यूब बनाए हुए हैं। क्यूब सबसे आसान होता है, आप लूडो खेलते हैं तो उसमें डाइस होती है, तो आप इजीली इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले आते हैं सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनके कॉर्नर्स पर प्लेस होते हैं। हैव यू सीन, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर प्लेस होंगे जितने भी होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपको दिखाई दे रहे होंगे। अगर मैं ये आपके सामने चौक के बॉक्स का एग्जाम्पल ले रही हूँ तो चौक के बॉक्स में जितने भी आपको कॉर्नर दिख रहे हैं, हैव यू सीन 1, 2, 3, 4 एंड लाइकवाइज एट द बॉटम 5, 6, 7, 8। तो ये क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जिसमें सिर्फ कॉर्नर में प्रेजेंट होंगे उन्हें हम कहेंगे सिंपल यूनिट सेल, राइट। मूविंग टूवर्ड द बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर में क्या होगा, कॉर्नर पर तो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे ही, कॉर्नर पर सभी में होंगे। बट बॉडी सेंटर, बॉडी की क्या है, इसकी बॉडी के सेंटर पर भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट प्रेजेंट होगा। तो आ गया ना दोनों में डिफरेंस, इसमें सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट है एलिमेंट्स और इसमें कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर पर भी एक एटम प्रेजेंट, राइट। मूविंग टू द फेस सेंटर, फेस सेंटर जाने के लिए आपको फेस पता होना चाहिए। देखिए फेस क्या चीज होती है, अगेन मैं यहाँ चौक के बॉक्स को यूज कर रही हूँ। फेस क्या चीज है, कोई अगर आप ट्यूब लेते हैं तो उसका ये एक सरफेस फेस कहलाता है। तो हाउ मेनी फेसेस आर देयर, 1, 2, लाइक वाइज 3 और इसके पीछे 4, राइट, इसके ऊपर 5 और नीचे वाला आया 6। तो टोटल कितने फेस हो गए, 6। हर सरफेस क्या कहलाता है, फेस कहलाता है, राइट। तो अब फेस सेंटर है इसका क्या मतलब है, हर कॉर्नर पर एक एलिमेंट रहेगा और साथ ही इसकी हर फेस पर भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट रहेगा। तो देखिए कैसे सरफेस, एक फेस एक एलिमेंट, सेकेंड फेस, थर्ड एंड फोर्थ, हो गया ना, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, ये तो कंप्लीट हो गया। अब आप सामने की अगर बात करें तो यहां पर एक एलिमेंट आगे वाली सरफेस पे और पीछे वाली सरफेस पर एक और एलिमेंट, हैव यू सीन, इज इट क्लियर, ओके। तो ये हो गया फेस सेंटर, टोटल 8 कॉर्नर्स और 6 फेसेस, सब पे कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट प्रेजेंट होगा। मूविंग टू द एंड सेंटर, अब
छह फेस है, एंड क्या होगा, आइदर टॉप एंड बॉटम, आइदर लेफ्ट और राइट, आइदर इन फ्रंट और बैक, या तो आगे पीछे आप लेंगे, या फिर आप ऊपर नीचे चेक करेंगे, या आप लेफ्ट राइट चेक करेंगे, इनमें से कोई एक। चलिए कर लेते हैं। पहले तो कॉर्नर से सारे कॉन्सेंट्रेट एलिमेंट करेंगे, कॉर्नर आ गया, उसके बाद मैं यहाँ पर टॉप बॉटम ले लेती हूँ, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, तो ऊपर नीचे मैंने लिखे, आप लेफ्ट राइट भी यूज कर सकते हैं, आप आगे पीछे का भी यूज कर सकते थे, राइट। तो ये चार तरह का यूनिट सेल आपने देख लिया। आपने ये देख लिया कि कॉर्नर तो सभी में ऑक्यूपाई है, लेकिन जिसमें सिर्फ कॉर्नर है वो सिंपल, जिसे बॉडी में भी आ जाए वो बॉडी सेंटर्ड, जिसके सारे फेस पर भी आइटम्स हो वो फेस सेंटर्ड, और जिसका कोई दो फेस, जिसे कोई भी दो ऊपर नीचे आमने सामने वाली होनी चाहिए, तो दैट विल बी एंड सेंटर्ड। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट द यूनिट सेल। इन द नेक्स्ट वीडियो हम ये चेक करेंगे कि यूनिट सेल इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, इन जो यूनिट सेल है डिफरेंट डिफरेंट तरह की, इनसे बने हुए भी टाइप है क्रिस्टल।